हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो आज हम करते हैं हमारे 2019 के नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस। इसके बाद एक और वीडियो में ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट 2017 पेपर। उसके बाद चार पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी ये पेपर ख़त्म हो जाए ताकि हम रिवाइज भी कर सकें इन्हें दोबारा। आपको रिविज़न का टाइम मिल जाए अगर एक वीक का, तो आप ईजिली इन्हें एक बार दोबारा वीडियोज़ देख पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दी हुई है। वो पहले वैक्यूम में ट्रैवल कर रही थी फ्री स्पेस में, उसके बाद वो एक मीडियम में चली गई जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है। तो हमें ये बताना है कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी और जो उसकी वेवलेंथ है उसमें क्या चेंजेस आएंगे। फर्स्ट यहाँ पर लिखा है कि नॉन मैग्नेटिक मीडियम में गई है, इसका मतलब यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ये चीज़ तो हमें पता होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से देखो, पहले ही हमारे दो ऑप्शंस कट हो गए, ये और ये दो ही बचे। यानी कि हमें अब चेंज इन वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ डेफिनेटली चेंज होगी, कितनी चेंज होगी वो निकालते हैं हम। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो स्पीड, पहले जब फ्री मीडियम में था तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस स्पीड से चलती है? स्पीड ऑफ लाइट से। पर जैसे ही वो एक मीडियम के अंदर आएगी उसकी स्पीड चेंज होगी विद द फैक्टर दिस। तो उसकी स्पीड हो जाएगी ये सी बाय अंडर रूट ऑफ परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो जो चेंज इन वेवलेंथ होगा वो क्या होगा? न्यू वेवलेंथ माइनस ओल्ड वेवलेंथ। न्यू वेवलेंथ, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। जो न्यू वेवलेंथ है उसकी वेलोसिटी कितनी है? एस हमने निकाली है। फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज ही नहीं हो रही, तो दोनों की म्यू रहेगी। और जो ओल्ड वेवलेंथ थी उसकी वेलोसिटी कितनी थी? सी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, तो हमारे पास डेल्टा लैम्डा आ गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बन गया? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बोला कि एक ऑब्जेक्ट है मास एम का, वो रेस्ट से वी नॉट वेलोसिटी तक पहुंचता है विद इन टाइम टी नॉट। तो हमें क्या निकालना है? जब वेलोसिटी उसकी इतनी होगी तो उस टाइम पे उसकी पावर कितनी होगी? तो हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? सिंपल है ये, इसमें इतना ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी जितनी हम सोच जाते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। यानी कि हमें पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला उस वक्त यूज़ करना है, क्योंकि हम वेलोसिटी का फैक्टर है तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये तीनों वैल्यूज चाहिए हमें। मास हमें पता है, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला लगेगा वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ये तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है। वी कितना है? वी नॉट, स्टार्ट कहाँ से हुआ? रेस्ट से, तो जीरो। ए और टाइम कितना लगा? टी नॉट। यहाँ से ए की वैल्यू आ गई, तो इसमें पुट कर देंगे m, a की वैल्यू क्या आई? वी नॉट बाई टी नॉट। और कितनी वेलोसिटी पे निकालना था हमें? वी नॉट बाई टू। तो इसको रख दिया तो हमारी पावर आ गई। सिंपल है। कुछ लोग दूसरे फॉर्मूला से करेंगे इसे, इंटरस्टेनियस स्पीड वाला, वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डी एस बाई डी टी एंड ऑल। तो आप वो भी लगा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या दिया हुआ है? स्केलर पोटेंशियल फील्ड दिया हुआ है, और हमें बोला है कि एक चार्ज पार्टिकल है जो ओरिजिन पे है 4 कूलम का, तो वो कितनी फोर्स एग्जर्ट करना है वो निकालना है। जब हमें वी दिया हुआ है तो हमें पता है वी की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं बाय टेकिंग द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर पोटेंशियल। इसका अगर हम ग्रेडियंट निकाल लेंगे तीनों डायरेक्शंस में तो हमारे पास क्या आएगा? ई एक्स, ई वाई, ई जेड। फॉर्मूला क्या होगा इसका? कर्ल वी बाय कर्ल एक्स माइनस साइन के साथ, कर्ल वी बाय कर्ल वाई और कर्ल वी बाय कर्ल जेड। कर्ल तो निकालना आता ही आपको, एक्स के साथ निकाल रहे हैं तो बाकी सब कॉन्स्टेंट, सिर्फ एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर दो। तीनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया। उसके बाद हमें पॉइंट दिया हुआ है ओरिजन की, ओरिजन पे लाई कर रहा है, यानी तीनों जीरो जीरो हैं, एक्स वाई जेड। तीनों में पुट कर दो, यहाँ पे वाई जीरो, यहाँ पे वाई जीरो एंड यहाँ पे वाई जेड जीरो। तो ये तीनों आ गए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? E इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला लगना है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 10।
हमें फोर्स निकालनी है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमारी आ गई फोर्स 40 न्यूटन। 124 क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है हमें, एक एम्पलीट्यूड ऑसिलेटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 300 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। उसने बोला कि वो डैम्प हो रही है, डैम्प होने के साथ उसकी जब 6000 ऑसिलेशन कंप्लीट होगी तो उसका एम्पलीट्यूड 1/10 हो गया, तो हमें उसका डैम्पिंग कॉन्स्टेंट निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। यहाँ पर फॉर्मूला पता है तो निकल गया, तो हम यहाँ पर टाइम पीरियड निकाल लेंगे 1/300 सेकेंड। फॉर्मूला लगेगा ये, ए इज इक्वल टू ए नॉट टी की पावर माइनस गामा बाय गामा टी, ये जो है ये क्या है, इसका डैम्पिंग कॉन्स्टेंट, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब हमें मिल जाएगा। हमें पता चला कि जो ये नई एम्पलीट्यूड है वो कितना हो गया, 1/10, तो पुट कर दिया, ये आ गया हमारे पास सॉल्व करके, इतना हो गया सॉल्व, यहाँ तक ईजी है। अब हमें टी की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, टाइम पीरियड मल्टीप्लाई जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पे पहुंच गए, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी थी 6000, तो यहाँ कितना टाइम लगा हमें, 20 सेकेंड, पुट कर दो इसे एंड सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। और ये log 10 को सॉल्व कैसे करते हैं हम, जब एल एन होता है यानी बेस टू पावर ई होता है तो उसे इससे मल्टीप्लाई करके लॉग लिख सकते हैं, हमें इस वाले लॉग की वैल्यूज पता होती है, इस वाले की नहीं पता होती जनरली, इसलिए इसे चेंज ऐसे करते हैं, और लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है मेटल बॉल की, बोला है इसमें सिचुएशन क्या है कि एक मेटल बॉल ली, उस वो थोड़ी गर्म थी, ठीक है, वो किसी टेम्परेचर पे थी, उसे हमने एक आइस क्यूब के ऊपर रख दिया, बड़े सारे आइस के ऊपर, तो क्या हुआ, वो आइस आधी पिघल गई, मतलब आधी बॉल उसके अंदर फंस गई क्योंकि वो पिघल गई, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, जो वो मेटल बॉल थी उसने कुछ अपनी हीट आइस को दे दी और वो हीट लेके आइस ने अपना फेज चेंज कर लिया। अगर आप फॉर्मूला शीट देखोगे वहाँ पर मैंने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का एक फॉर्मूला लिखवाया है, वो ये यूज़ होगा यहाँ पर, वहाँ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का फॉर्मूला लिखा है एक, कि अगर टेम्परेचर चेंज हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर फेज चेंज हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, कैसे लगाएंगे, सॉरी ये राइस का सॉल्यूशन, हमें यहाँ पर दिया हुआ है डीबी मतलब डेंसिटी ऑफ बॉल, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर 10^3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारी डेंसिटी बन जाती है उस सब्सटेंस की, एस दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट, हमें टी निकालना है। अब हमें पता है कि जितनी हीट बॉल ने रिलीज की है उतनी ही हीट आइज ने एब्जॉर्ब की है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम एस टी, इसका जब बॉल ने हीट रिलीज किया तो उसने टेम्परेचर चेंज किया, और जब आइस ने हीट एब्जॉर्ब किया तो उसने फेज चेंज किया, तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा एम इंटू एल, एल क्या है, लेटेंट हीट ऑफ आइस जो दी हुई है हमें, लेकिन दोनों का मास गिवन नहीं है, तो मास हम निकाल लेंगे कैसे, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, तो ये फॉर्मूला लगेगा अब यहाँ पर, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ बॉल एस टी, हमें टी निकालना है, बाकी तीन चीज़ें गिवन है, हीट एब्जॉर्ब बाय आइस, मास कैसे निकालेंगे इसका, मास वॉल्यूम ऑफ बॉल, वॉल्यूम ऑफ आइस जो पिघली है मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ आइस, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं पता कितनी आइस पिघली, लेकिन हमें ये पता है कि आधी बॉल उसके अंदर चली गई, यानी उतने ही वॉल्यूम की आइस पिघली है, हाफ ऑफ द बॉल जो है वॉल्यूम लगा है, डेंसिटी ऑफ आइस और एल, सारी वैल्यूज हमें एग्जैक्ट दी हुई है फॉर्मूला में, क्वेश्चन में से वैल्यूज उठाओ पुट करो और टी की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री सेल्सियस, लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉल्व खुद करके देखो तो ज़्यादा बेटर दिमाग में बैठेंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारी क्या है, अब ये थोड़ा मुझे ट्रिकी क्वेश्चन लगा, कि मुझे लग रहा है इसका आंसर इन्होंने गलत दिया आंसर की में, तो आप दोनों तरीकों से सॉल्व करके देख लेना। इन्होंने बोला है कि साउंड ए और साउंड बी है जो, उनकी इंटेंसिटी 100 टाइम्स के डिफरेंस पे है, तो उनकी रिलेटिव साउंड लेवल निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू 10 log
आई वन बाय आई टू। अब मैंने यहाँ आई वन जो लिया हुआ है वो लेवल साउंड ए का लिया हुआ है, और आई टू लिया हुआ है साउंड टू का, बी का। साउंड ए तो थी 100 टाइम्स इंटेंसिटी थी उसकी, तो 100 टाइम्स ऑफ आई टू ये आ गया। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 20 dB आंसर आ गया, जो हमारा आंसर की से मैच हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये सॉल्व ऐसे नहीं होता, ये गलत है तरीका। ये सॉल्व होगा एल ए फॉर साउंड ए, आई ए बाय आई नोट, और एल बी के लिए आई बी बाय आई नोट। दोनों फॉर्मूला लग गए, दोनों को डिवाइड करो। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 2 dB आती है। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस में आप ट्राई कर सकते हो, गैस कर सकते हो, लेकिन अब सामने वाला क्या आंसर रख रहा है वो थोड़ा ट्रिक हो जाएगी। हो सकता है इसे सॉल्व करके भी उन्होंने किसी तरह 20 ही निकाला हो, ये वाला तरीका यूज़ किया हो, ये जो पर्टिकुलर सेकंड वाला है। बट आई डोंट नो कैसे किया है, तो मैंने इसलिए दोनों ही तरीके आपको बता दिए। जो आपको ठीक लगे आप उससे सॉल्व करके देख लेना, लेकिन पेपर है, पेपर पे कुछ भी दिमाग लगा सकते हो आप उस टाइम पे। फॉर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ये हमारा क्वेश्चन शायद CMP से है। तो वहाँ पर आपने अगर अपने नेट का पेपर दिया हो कभी, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो काइनेटिक एनर्जी, इनर्शिया और पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह से निकालते थे इसमें। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन मुझे ये मैट्रिक्स फॉर्म करनी आती थी वहाँ पर बस। तो मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करते थे, इनर्शियल मैट्रिक्स के लिए फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पर एक्स एक्स निकालते थे, या आई एक्स वाई, या आई जेड जेड। तो ये हम किससे ले लेते थे, हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे ना तीन, इनसे उठाते थे। तो इसको तीन, ये 2 0 हैं, ये दोनों 0 हैं, ये दोनों 0 हैं, तो इन सबको मैट्रिक्स में भी 0 रख दो। बाकी तीन जगह बच गई, ये और ये। जितना मास दिया हुआ है उसका डबल ले लो, 2m, और जो आपको यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है उसको स्क्वेयर कर लो। ये ट्रिक क्या लिखने की, इसे मैट्रिक्स को सीखने का तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ट्रिक्स याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब हमें सीखने की ज़रूरत नेट के पेपर में पड़ती है। HTET के पेपर में नेट वाले एक या दो क्वेश्चन ही आते हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी निकालने वाला, एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और एक इस टाइप का शायद ही क्वेश्चन आते हैं। तो इतना ज़्यादा फोकस वहाँ मत करना, +1 +2 पे ही करना। इसमें क्या कहा है कि एक रे ऑफ लाइट है जिसमें जो है TIR हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसका क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है C। तो बोला है कि लाइट, जो रे ऑफ लाइट है, वो मैक्सिमम कितना डेविएट कर सकती है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है उसका। सपोज करो ये रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है, अब रिफ्रैक्शन में कहाँ जाना चाहिए था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में वापस आएगी। सपोज ये एंगल I है, ठीक है, तो इस रे ऑफ लाइट को जाना चाहिए था कहाँ पर, यहाँ पर इस तरह, लेकिन ये चली गई ऐसे, तो ये हो गया इसका एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर मैं इस एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट करूँ तो ये कितना आएगा, ये लाइन कितनी होगी, 180 की, 180 -2i। अब बोला है मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम कब होगा, जब आई मिनिमम होगा। आई क्या है, आई मिनिमम कब होगा, जब ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल नहीं हुआ तो फिर रिफ्रैक्शन हो जाएगी, क्रिटिकल एंगल से छोटा हो गया अगर ये, तो रिफ्रैक्शन हो जाएगी, रिफ्लेक्शन होगी ही नहीं फिर, तो फिर हम डेविएशन वहाँ छोटी होती जाएगी, बड़ी नहीं होगी। इसलिए डेल्टा को मैक्सिमम होने के लिए आई को छोटा होना ज़रूरी है, और आई सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सी, क्रिटिकल एंगल। सो ये हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक डिस्क है जिसका रेडियस आर है और थिकनेस R/6 है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है। अब उन्होंने ये बोला कि उस डिस्क को मेल्ट करके एक स्फीयर बना दिया, अब हमें उस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ डिस्क निकालेंगे। अब वो जो डिस्क है वो एक छोटे सिलेंडर की तरह वर्क कर रही है, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, πr²h। आर कितना है उसका, कैपिटल आर दिया हुआ है, एच कितना दिया हुआ है, R/6, तो ये उसका वॉल्यूम हो गया। अब जो नया स्फीयर बनेगा वो भी तो क्या होगा, सेम वॉल्यूम का होगा, और नए स्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे दिया जाता है स्फीयर का,
4/3 पाई आर क्यूब। प्लीज ये वॉल्यूम और एरियाज के फॉर्मूला दिमाग में रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है यही फॉर्मूले गलत करते हैं हम। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, आर डैश की वैल्यू निकल गई R/2। अब हमें पता होना चाहिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस, एक डिस्क, एक स्फीयर, एक रिंग, इन तीनों चीजों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्रैम कर लो। इन्हीं में से क्वेश्चन आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, और किसी से आता नहीं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 m r² आर डैश की वैल्यू पुट कर दो, R/2। ये आ गया हमारा ये, लेकिन इसे निकालना किस फॉर्म में है, आई की फॉर्म में। आई यानी आई क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होता है, 1/2 m r², तो इन दोनों को रिलेट कर दो, ये क्या आ गया, I/5। मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आता है, एक नंबर तो कम से कम कंफर्म कर लो, और इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है परसेंटेज एरर का। इसमें हमें लेंथ दी हुई है, विड्थ दी हुई है, हमें क्या निकालना है, एरिया में परसेंटेज एरर। कैसे निकालेंगे एरिया, कैसे निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका परसेंटेज एरर लिखेंगे कैसे, Δa/A, एल दिया हुआ है Δl/L, बी दिया हुआ है Δb/B, पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो Δl कितना दिया हुआ है, दिस एल की वैल्यू ये मल्टीप्लाई 100, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2%। कोई भी फॉर्मूला दिया हो उसका परसेंटेज एरर निकालने का एक ही तरीका है, जो भी उसके फॉर्मूला में हो वो लिख लो। सपोज यहाँ बी की पावर 2 होती किसी भी और फॉर्मूला में, तो इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करते, बस परसेंटेज एरर निकालना सीख लो, वही बहुत है। नेक्स्ट नेक्स्ट में हमें क्या बोला है कि हमें फोर्स दी हुई है किसी स्प्रिंग की, हमने उसको स्ट्रेच किया 0 से L लेंथ तक, तो उस पर जो वर्क डन हुआ वो था W0। फिर हमें ये बताना है कि अगर उसे L से 2L स्ट्रेच करेंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। इजी टू सॉल्व, फोर्स दी हुई है, वर्क डन कैसे निकालते हैं, -FdX पुट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये वर्क डन कौन सा दिया हुआ है, W0, W0 की वैल्यू ये आ गई। अब उन्होंने बोला है कि यही वर्क डन कहाँ से कहाँ निकालना है, एल से 2L तक, इसको इंटीग्रेट कर दो फिर से -FdX के हिसाब से, तो ये आ गया ये। अब इसे W0 की फॉर्म में निकालना है, तो W0 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ डायरेक्ट, हो गई। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसमें बोला है कि हमें एक 1 मोल ऑफ आइडियल गैस दी हुई है जो आइसोथर्मली स्पेंड कर रही है, एक्सपेंड कर रही है 10 टाइम्स टू इट्स इनिशियल वॉल्यूम, तो उसकी चेंज इन एंट्रॉपी निकालनी है। Δs का फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन एंट्रॉपी का, Δq/T। Δq का फॉर्मूला क्या होता है, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स Δe लगा लो, या W, हाँ Δe यानी Δu हो गया ये, Δu+PdV। अगर आप देखो तो उसका फॉर्मूला होता था Q=W+U, W वर्क डन वो ये होता है PdV, और U देखो तो वो ये है। E की फॉर्म में लिखा हो तो E की फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, हम इसे खोल लेंगे। CV Δt की फॉर्म में लिखा जा सकता है Δu को, P Δs लिख लिया हमने यहाँ, Δs यानी इसको Δq को T से डिवाइड कर दो, ये आ गया हमारा। अगर अब हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं तो वो क्या आती है, PV=nRT, लेकिन मोल गैस में 1 मोल है, तो n की वैल्यू 1 होगी, RT। यहाँ से P की वैल्यू निकाल लो और यहाँ पर पुट कर दो, पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब ये इक्वेशन है, इसको इंटीग्रेट कर दो, फ्रॉम S1 to S2, फ्रॉम T1 to T2 एंड V1 to V2, एक्सपैंड करते ही हमारे पास आ गया ये, सॉरी इंटीग्रेट करते ही लॉग लग गया, क्योंकि किसी का डेरिवेटिव हो DX/X इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्स आएगा ना, सेम यहाँ पर लग गया है। अब यहाँ पर क्या है, हमें बोला है कि जो गैस है वो आइसोथर्मली एक्सपेंड किया है, यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, T1 T2 के इक्वल है, तो ये आ गया log of 1, और V2 जो है वो 10 गुना हो गया है वॉल्यूम, तो ये क्या आ गया, 10।
नाउ लॉग वन क्या होता है, जीरो, ये वैल्यू होगी जीरो। आर लॉग टेन क्या होता है, 2.3 मल्टीप्लाई बाय वन, लॉग टेन की वैल्यू। तो हम यहां से आ गया डेल्टा एस बाय आर इज इक्वल टू 2.303। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था थर्मो का, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में से फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन पक्का आएगा, बट ये नहीं पता कि वो फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन इजी होगा या मुश्किल होगा। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे फॉर्मूलाज एक साथ अप्लाई करवाए हुए हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन से आपको डेफिनेटली बहुत सारे फॉर्मूलाज एक साथ मिल जाएंगे। सो यहाँ तक हो गए हमारे क्वेश्चंस। इसके बाद इस पेपर के 15 क्वेश्चंस और बच गए। आई विल ट्राई कि मैं इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करूँ, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन सो मैनी थिंग्स, CDP वीडियोज, फॉर्मूला शीट्स, पेपर सॉल्विंग, एंड खुद का भी पढ़ना ही होता है और खुद की भी जॉब है। सो थोड़ा सा इसलिए, बट आई विल ट्राई कि 20 दिसंबर तक आपकी CDP वीडियोज़ पूरी हो जाए और ये क्वेश्चन पेपर भी पूरे हो जाए, क्योंकि TGT मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे एक दो, अगर पॉसिबली टाइम मिला तो। बाकी आप अपने जो रिव्यूज़ हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू।